बस सारा पावन पली मुकाम पर है, हसी मुस्तिया माटी का कणकण मारती है, बस अपना आपा जीवन। और सबसे पहले अपना अपनी भाषा का भरपूर आनंद के लिए एक बेजोड़ लाडलो हास्य कवि, हास्य कलाकार भाई गजेंद्र कवि आपने बीच है बार आपा आमंत्रित करा माँ करनी का। पहले कवि के लिए आपके अतिरिक्त प्यार दुलार चाहिए कि वो इस सारे उपक्रम को एक विराट कवि सम्मेलन की नींव स्थापित करता है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरी ऊर्जा के साथ जोरदार तालियों से गजेंद्र कृपालन अग्नि जरी बजी हल्ल तबल्लन हल्ल उजलन धूमि हमलन भूमि धरी। कविता समझ में आई के? कविता भी नहीं समझ में आई तो भी की धुन तो समझ में आ रही थी के लिए ताली बजाओ, और ताली नहीं बजाई तो पूरी रात में ही कविता सुना करो नहीं आनी थी। दम दमा दम दम दमा दम दम दमा दम इको बंद करो भाई जी को बिल्कुल। हाँ अब देखो साहब, मैं हमने एक डिंगल की कविता सुनाई और मैं बी डिंगल परंपरा सु जाति सु चारण हूं। सिंह लड़े चक्कर झड़ा रहे चौथे मले करोड़ तेती सु दो सूर्य दान दहा रूप रूप ठकती एक प्रेत दूत पालतियम गह गए बार डमरू ढेक मम्मा यावतियम चढ़े सिंह चामुंड कमल हुंकारो कद्दो डरो तरंता देख असुर भाग्य वद्दो आप शक्ति आपड़ी रूप वाई रमंता खाड़ गद खड़ा रहे डरे हिंगोर दरंता हिंगोर राय अट दसती भरगे में एक भुवनेश्वरी कवि जोड़ पान तू तीसर कहे ऊ दो दो आशा पूरी। देख लो मैं आई कविता सुनाऊ लो ताली नहीं बजाई तो पूरी रात। हाँ जन्म लियो हसी टट्टा की बात किया करे। अब हसी टट्टा की बात नहीं करा तो कहीं करा भागीरथ जी की सगे रहा रीनी बात बताऊं वो परसों के दिन और गेलो जिया को सब तरगा मेरे पहली तो बेटा काई करता भाई ठेका के बीचों पर दारू दे देता 8 बजे बाद में। आजकल गेलो जी नियम कर दियो ठेके के नीचे शिव लीन लेंगे एकदम बंद। ए गुरु जी मन साथ ले गया बोले गजा साहब ठेका पर चला और साहब वो ठेको बंद 8 बजे बाद में ए निकाल के रखा है बेटा एक पाव के दे दे। बोले नहीं कोई पाव के वाव के नहीं है, हमारा लाइसेंस रद्द होने का खतरा है। अरे बोले बेटा ये हमारे मारे समझा करिया पर साहब वो मंदिर दुखी बड़ा आ गया तो मैं सब्जी का ठेला लाग रहे गेला कमाई ने सब्जी का कोई बोला आलू ले जाओ कोई बोला गोभी ले जाओ। ए बोले देख तू मैं मांग लियो उसकी चीज तो मांगे भी नहीं मिल रही और नहीं मांग लो उसकी जोरा मर्दी छे प्रिया मतलब कोई तो आलू ले जाओ कोई तो गोभी ले जाओ कोई तो आलू ले जाओ। गुरु जी की आत्मा तड़ी थी गुरु जी बोलिया कि दारू ठेका बंद मिलेला राज खजाना खाली है गाजर ले लो मूली ले लो मुख्यमंत्री माड़ी है। सुन ये कहते हैं राजस्थानी की माली हालत खराब है। बहुत अच्छी बात है। अब बोलो कि वाकई मारो दारू मेरे वातावरण को मारा गया हूँ मतलब इनको परिवार है पर मैं तो वो पड़ोसी पड़ोसी का घरादार बोलियो आएगा बबले मारे खुद के कमरता ने घटाऊ दे दू राजस्थान की तो मारत खराब है। अब डोली बना करवा लाई के बेटा तने गुंजानो आपने बहुत बुरी चोट करे है। वो बोले रे बापू के चोट करी हो जो तू यहां को बदलो ले लियो खाट कौन दी। और बोले बेटा तेरी बहन के मलेरिया चढ़े लो ब्याह मार दियो बींद तोरण पर खड़े बरात आएगी फेरा को टेम पर थारी बहन का मलेरिया। अब मलेरिया में नुआ तो सका को नहीं और नुआया मेरा बींद नहीं किया बनावा जरा मैं भाग्यो भाग्यो की कब्रादार पर पकड़ा के बेटे का बाप आप तो तू इज्जत बचा बोले किया के फेरा फेरा हम थारली भाई में भेज दे मारने के तो मलेरिया भरी फेरा थारली भाई के साथ कर देशा विदा मारली भाई ने कर देशा। ओ बेटो जी दिन आपकी छोरी के लिए मना कर दियो तो आज बेटा ना मैं खाट के लिए मना कर दियो। छोरो छोरो बोले बापू बहुत बढ़िया करो सड़का डोली मना कर बजाई का पर ये भी मना कर दियो फिर फेरा किया कराया बबले ने किया किया कराया भगवान अकल दी है फेरा फेरा में घूमटो गाड़ थारली मारने बैठा। अब यहां को वातावरण खटा वहां से कटल भी वीरस की रोड ढूंढ रहा था आनंद यहां को प्रसिद्ध दिन दुबई सुबह सुबह चाय बना ली और चाय बना पकड़ा बोली चाय छीक लगी गोबर रोजी ना लागे जी इनकी याद लगी और कोई गाल फाड़ वाला लगी तो सुता ना सारे बाप ना काई जना सु दुख पा रही हूं मारा प्राण था की बड़ाई बोल कर मारी चाय की बड़ाई बोल कर मेरी एक सगाई छूट गई छोरा सुई वो छोरा आज कलेक्टर पर को मारा तो भाग फुटा थारा जन को बांधरो भाग में लिखड़ो
एक घंटा लगातार गाड़ काटी चाय की बढ़ाई नहीं करवा का चक्कर में जितना ना माता सुबह सुबह गाँव में पार्टी पाटा खरीदवाड़ी कर दिया पिपा पावर वो आवाज लगाई पार्टी पाटा बेचोगे पार्टी पाटा बेचोगे मैं गाड़ सुन सुन राख तो बेड़ो मैं बोलियो भाई पार्टी पाटा तो बोली पर तू मन ले जा मैं दुखी हूँ और कह लू भाई बोली बोले राख उठा कान को तो सुने ए पार्टी पाटा ही ले जा ये थारजिया का गधड़ को ले जाए झूठ बोलते मशीन बोल जाए टू ना समझ और झूठ बोलती और तो कोई रात नहीं मशीन आग लगा दी टू बोलना पड़े झूठ अब साथ एक दिन आपको वो टावर है पढ़ रहे स्कूल में पट बात आएगी पट बाटो फिल्म देखवा चले गो और बीच में एक बोले थोड़ा आती जल्दी की है यो बोले आज माता जल्दी छुट्टी होगी और कर मशीन बोलगी टू मतलब समझता सोलह झूठ बोल गो अरे जी बोला बत्तीस तेरी उम्र में था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था मशीन फिर बोलगी टू मजो तो बासी में मानी भाभी जी निकल रहा यार बोला झूठ तो बोले ही लो बच्चो नहीं कर तो मंच पर भी चाय लाओ हाँ तेरा भाई बहन मामा सो कटो मई तो मैं सारा का सारा छोड़ के भाई बहन मैंने भाई साहब भी के और भाई साहब भी के कायदा सू अब साहब मेरो ब्याह हो गो जना की लुगाई ने भाभी जी खबर आग गा अब साहब मेरे दो टावर ब्याह तुम्हें काकार बुआवा सारा का सारा मैंने भाई साहब बोलो भाई देखी देख टावर भी मैंने भाई साहब भी बोलवा लागा मारा ही टावर है और आपकी मम्मी ने बोले भाभी जी एक ही ना रही जी मारे घर गाना धोनी थोड़ा वागा रहा बोले बैठा वागा बैठा वागा बैठा वागा ए बोले तेरा तो छोटा भाई को भाई बोली है मेरा बच्चा है मेरी औलाद है बोले पहले तेरा भाई साहब क्या गया तो गलत था ना सुधार मैं धोनी थोड़ा मैं बदतमी मैं तेरा पापा हूँ तेरा भाई साहब नहीं भाई साहब है और हम वर्तमी तेरे पापा बोले हाँ तो भाई साहब है मैं दो का ना आइडेंटिटी कार्ड लूंगा आजकल गड़म लटका बड़ा आइडेंटिटी कार्ड होता है माखाड़ी टाइम कोई आइडेंटिटी कार्ड बोली है भगवान के सुमन चपला के माए तो ग्यारहवीं पास कर ली मैं हवाई चप्पल के माए और वह हवाई से करा के मैं फूकनी ताती कर चिपका लेता गोल गोल सड़ो कोई दूसरो निकाल जाए अपने पास को नहीं है साहब माने पास करा दी वह मोरे की पंख किताब में एक मोरे की पांख रखता विद्या माता है और कहता विद्या माता विद्या दे विद्या माता विद्या दे भी के पानी पास होता कई बार भी पांख को छोटो सो टुकड़ो टूट जाता जरा कहता ओ विद्या माता गई विद्या माता मांगे तो विद्या माता भी वहां गए थे साहब यहाँ का आवाज करो मैं छोरा का आइडेंटिटी कार्ड दूंगा तो बहुत हाई फाई जुड़े करो बेटा छोरा का आइडेंटिटी कार्ड है तमीज को मैं तेरा पापा हूँ बोले नहीं भाई साहब है वो देख तेरा आइडेंटिटी कार्ड में लिख रहा रुद्र प्रताप सिंह सनोप सिंह गजेंद्र सिंह छोड़ के बटुकेश्वर सिंह सनोप श्री गजेंद्र सिंह वो बोले और पापा तो गजेंद्र सिंह ही पर तो गजेंद्र सिंह थोड़ी है तू तो गज्जू है तो मम्मी पापा गज्जू थे रियल में रही थी एक दिन मेरे साथ सरिता में दशेंद्र कवि से मैंने मार रहा खूब माल वतीरा खा रहा यार बठीर में पापा एकला डूज नहीं कर कर उगा आता और बस दुनिया घड़े घड़े सड़ो कवि से मेरे नाम डोदर मेरे नाम बाजरो कटावर मैं रही जी पूछा सठ दिन जी पापा बोलिया घर के गेट पर बढ़ता नहीं बोले ओ गज्जा बस थारी मारांड थ्रेसर आई डूबी बाजरो थरो वहां खड़ा सीधे बोले थार पापा तो नहीं है क्या बोले मुको थे बोलवा में सर को जूते की ओर देखा था और साहब मैं बैठे लेको नवलगढ़ का बड़ा बड़ा वीआईपी आदमी जी खड़ा में लेको वो बाजरू निकल पड़े हो अरे बोले वो कहीं हमको बाजरू और बोले बाजरू ही इनको इन क्या खो थे मुको पहले थे खा तो दे बोले काचो ही खाए जाए नाच मुको देख राजस्थान को नाच ही अनको जगह आपका काचो भी खा सका चावल को नहीं खा सका गेहूं को नहीं खा सका जो को नहीं खा सका केवल बाजरो ही अपनी को ना देगा ना आपका काचो भी खा सका और वो खा दे बोले काचो खाए जाए खा तो दे अजीब फाकी मारी बाजरो लागे स्वाद काचो बाजरो कौन कौन को खाए हाथ खड़े कर दे मन नहीं जाने थे कौन सा जापान से तो यार बाजरा पत्थर तुम्हारे को गजब का ना रेडीमेड रोटी नहीं बनानी पड़ती हमको रोटी कैसे नहीं बनाते हम पहले इसको उखड़ में डालते हैं बाजरे के पानी के छींटे लगाकर फिर घंटे भर इसको मुसल से कूटते हैं ऐ बोले यार वो बाजरो काचो स्वाद लागे ना बापड़ा थे मुसल से क्यों कूटो रहे ओ बाजरो काचो स्वाद लागे नु मुसल सु क्यों कूटो रहे ओ बाजरो काचो स्वाद लागे तू मुसल सु क्यों कूटो रहे इया करता करता डेढ़ किलो बाजरो खाएगा है नहीं रात का डेढ़ किलो बाजरो खाएगा रात में तो सोएगा पर सुबह ले एक लोटे और डोले के नीचे जा बैठे जे टाइम का मोदी जी वाली 12-12 हजार की योजना कौन सा ले ली घर में छुछाई ले बने डोले के नीचे जा काम सट्टा पड़ता है हरी जी भाई जी रात पर कोई रिजल्ट होनी है
और आज जत्ता प्रयास करना जत्ता प्रयास कोई रिजल्ट नहीं है वन क्षण निकल निकल बार अपना मुंड लाल चुट वही और पसीनो टप 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 के भगवान के सोकर पानी की भी लोटा में एक बूंद ही कुंडोली बिया कर दिए पाता खड़ा हुआ बाजरा का तो डोली मूसो सुट वाला ही घेर है भगवान तो ना सही बताऊं मोदी जी देश की संस्कृति को सत्यानाश कर दियो पूरा देश की मैं आपकी शेखावटी की संस्कृति को तो पक्का ही सत्यानाश कर दियो हर घर में शौचालय बनाओ शौचालय बनाओ शौचालय बनाओ अरे नहीं पेली कथा प्यारा सीन है दो भाई एक लोटो ले जाता एक ऊंचा के ठीक बेटे है एक ऊंचा के ठीक बेटे है बेड़िया का फुटका दे दिया बाता का फुटका दे दिया सीन भाई हुआ साहब संभालता पानी की टंकी का आसपास खाली बोतल दो दिन रुकनी बरात आओ तो इनकमिंग ढंग सूझ जाए कई हुशार आदमी बोतल ले लिए मेरा बेटा पहली बार बोल जाता ना माका साथी तरस था भाई बरो तो तीन अच्छी बोतल लड़ो दो तीन जना खड़े खड़े आता था कोई बोतल आओ तो चलना जितारो कोई आतो दी तो जना इंदुन का तो मेरी मैं कहता हूं मेरी इंदुन का तो मेरी दूसरे का तो मेरी आखिर में समझो तो भाई एक बोतल में दो काम सलता है एक बोतल में पानी भर दोनों चला जाता एक ऊंचा के ठीक बेटे एक ऊंचा के ठीक बेटे पर बोतल का दो टुकड़ा तो भगोनी बात तो एक ही जना कर और बाता ही बाता में वापड़ो वो भूल रहे वो पूरी पानी खाम दे सको और वो कहता अल्लाह यार मैं तो पूरी बोतल वो कहते वो कहता रहा चिंता मन करो और 5 मिनट में टंकी पर और भलो जत तू पूरा बापड़ो पेंट पकड़ बैठो पूरे तो आ जाए वो देखो टंकी पर वो टंकी पर गयो है वो देखी बेटो का कान से एक लो ही खाए वो आपन तान से बन भाई आज बेटा हम छोड़ कर वो बटी बोतल पटक लगाई माटी धोई हाथ नाश्ता कर रही है जीव ने देखे बेटो वो बटी गड़े वो बटे गड़े तो वो देखो रहा 12 10 मिनट गिर रहा 15 मिनट गिर रहा 20 मिनट की को गए भगवान के सोकर आखिर के मारे छाती कल्डी कर बापड़ो माटी सुकाम फटा रहा तो अच्छा ना कर दी नरेंद्र मोदी जी बड़ी अद्भुत स्थिति है आनंद आ रही ताली बजा से तो ताली भी बजाता है वहां के साथ साथ बड़ी अद्भुत स्थिति बड़ी विकेट स्थिति आजकल एक बंदूरी देखो थे हास्य कवि सम्मेलन की जरूरत ही नहीं है बंदूरी ने गोरसू देख लो वो जीवंत हास्य कवि सम्मेलन है आपने कैसा वो है ना सुन गोली पर भी बैठे है तोरण तानी भी जाए है पर बींदनी को नहीं आता है सचिन पायलट भी बैठा थे सामान डीजे लाग रहे डीजे पर गाना चले सौ रणते कोई ले सिद्धने लारे मारे घर आओ विनायक कोई ढंका कोई आदमी नहीं ना तो छोट का टावर ना था चड्डी छाप माने जाने बार बड़ोट का टावर है बाद अपन को नाच बजे नाचे भी कहीं गोभी के छूट के ऊपर बादल गोभी के गुलचुरी ना नहीं है आज मेरे यार अब आना पर नाचे लेकिन वो टावरे नाचे जरा भील का काका का टेंशन हो जाए बड़ा भाई का टेंशन हो जाए यार बंदोरी तो जब तक 250-300 आदमी नहीं नाचे जरा बंदोरी क्या की हुई जना वो कई गाँव में यार महान तो बेरोजगार ठाला आदमी रहे जगह बंदोरी में नाच बा के अलावा कोई रोजगार को नहीं वो माने साठ बुलाओ गणेशा दिनेशा राजेशा महेशा सुरेशा वो नाचो यार वो सब खड़ा करे जी दिन नहीं यार मेरे तो करते उधर दो रियो गोटा उधर दो रियो बुखार चढ़ रही माँ तो दुख है वो देखिए माँ एक मेजर गाड़ी के माए माँ का सारा रोग की दवाई दे वो एक ऑफिसर जो इसको कार्टून एक पानी की बाल्टी पर दो बंदर बाजरा खेत में खड़ी कर वन वो जू साठ गणेशा दिनेशा सुरेशा राजेशा महेशा हो थाका दर्द की दवाई भी गाड़ी करना वहां का सटिया चांदू स्वाद आए पर जी पर सट एक पैक बनाए ले बेटा पानी थारा हिसाब से मिला ले पूरी स्वतंत्रता दे पानी थारा हिसाब से मिला पानी की तो स्वतंत्रता है लेकिन एक समस्या हो रही है जितनी नमकीन को नहीं मिले कोई काम सलटा बड़े ले जाए पर कई बार बेटा मुझसे आती है 5 रुपए की बार नमकीन दाल की तेली पीली ले जाए दो फाके लगावे दो पैक लगावे और फिर पांच छह फाट बटे बंदोरी किनारे खड़े हो जाए अब आ खड़ा हुआ का खड़ा हुआ यहाँ अंग अंग नाच रही हो बोटी को यहाँ फिड़क रही है अब भी नाचू अब भी नाचू अब भी नाचू लेकिन बंदूरी को नियम देता पकड़ जबरदस्ती कोई नहीं किसे या कोई गेगा तो धक्को नहीं दे जाता वो नाच नहीं अब भी को अंग अंग फिड़क रही हो कद नाचू सितार कोई धक्को दे और जाता ही वो बोलो कोई डंको गाणू लगा और इस हिसाब से बोलो बहुत तगड़ो डांसर आयो है टंको गाणू कौन सा लगा बरस बरस मेरा इंदर राजा टंकड़ाधड़ भी पर नाचे बीच बीच में गाड़ी के जाते रहे पैक लेते रहे गाना बदलता है वो लगा मांगो सारियो ठेका पर अमलेड़ो अमलेड़ो सारा नशा का लगा लास्ट के मायने नागिन जोड़ू एक बार ताड़िया बजा में आस पास की गलियों से जूठे बर्तन चाटा करता
बिल्ले का परिवार एक बहुत गरीब परिवार था, लेकिन बिल्ला दुनियादारी में बड़ा होशियार था। हमेशा सरकारी रोजगार पर लगी रहती थी नजरें उसकी, फिर भी सरकारी रोजगार नहीं मिलता तो चेहरे पर छाई रहती थी उसकी। एक बहुत स्तरीय व्यंग्य रचना है, आप जुड़ करके सुनना, मन से सुनना, कि एक गांव में एक बिल्ला रहा करता। हमेशा सरकारी रोजगार पर लगी रहती थी नजरें उसकी, फिर भी सरकारी रोजगार नहीं मिलता तो चेहरे पर छाई रहती थी खुशकी। सरकारी रोजगार की तलाश में बिल्ला था बहुत ही बेहाल, जैसे अच्छे दिन आ गए फिर भी अपने वो हाल। सरकारी रोजगार नहीं मिलने पर बिल्ले ने धंधे में घुसने की योजना बनाई और अपने धंधे को सफल बनाने की कई युक्तियां लगाई। बिल्ले ने सोचा कि धंधा ऐसा हो कि हिंग लगे ना पेट खड़ी हो रही। अब बिल्ले ने धर्म के व्यापारियों वाले सारे पाखंड रचाए, अपने जटाजूट बढ़ाए, उसके जटाजूट और पाखंडों को देखकर सारे चूहे आसक्त हो गए, उसके लुभावने प्रवचनों को सुनकर सारे चूहे उसके परम भक्त हो गए। चूहों के परम भक्त होते बिल्ले ने कहा, अंधे हो जाओ हरि के दर्शन मिलेंगे। चूहे भी अंधे हो गए, अच्छा है प्रभु के दर्शन मिलेंगे। अब चूहों के अंधा होते ही वह बिल्ला उन चूहों की चूहियों पर सम्मोहन करने लगा, उन चूहों के अंधेपन का दोहन करने लगा। अब बिल्ला और बिल्ले के चेलों ने मिलकर धर्म की धाराई मोड़ दी और पाखंड की सारी हदें ही तोड़ दी। लेकिन पान पका हुआ फल नहीं जड़ा, एक दिन बरताई है पाप का घड़ा। वो पाप का घड़ा भरकर टूट गया और बिल्ले के काले कारनामों का बांडा फूट गया। तो हे इंसानों, हर इंसान की उस ऊपर वाले के हाथ में है नकेल, और वो बिल्ला आजकल जोधपुर में काट रहा है जेल। वो बिल्ला आजकल जोधपुर